फिर आप भी और हम सब इसमें शक नहीं शरीक हैं कि हम मुसलमान हैं, ईमान का तकाजा है। रसूलुल्लाह सल्लम खुद फरमाते हैं, मन सब नबीयन फक्तुलू हो, ये कुरान का फरमान है और हमारे आईन और कानून का हिस्सा है। 295 सी और बी ये तमाम दफात आप खुद पढ़ें, जो रसूलुल्लाह की तवहीन करे वो मुस्तहिक है सजाए मौत का। जनाब स्पीकर, हमारा कानून और आईन ये है, 2200 मुकदमात वो दर्ज है, रजिस्टर्ड है, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की तौहीन की है इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में, 1500 FIR दर्ज है और अब भी वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। हुकूमत वक्त का क्या जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी निभाते नहीं तो फिर उशा के मुस्तफा क्या उनके जज्बात वो नहीं बढ़ेगी? वो तो मैदान अमल में नहीं निकलेगी, आप भी मजबूर हो जाएंगे। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं। जी जनाब फहीम खान साहब जी, बहुत शुक्रिया। जिमनी सवाल पूछे जी, जिमनी सवाल पूछे। सवाल से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस असेंबली में जान भी कुर्बान करेंगे, मेरे बीवी बच्चे मेरे माँ बाप सब कुछ कुर्बान, ताजदार है खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद आपको मौका देते हैं जी। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 के शिक्के के तहत मौजूदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असेंबली का जुमा 16 अप्रैल 2021 को तलब करता इजलास को इसके काम के इख्तिताम पर बजरिया हाजा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ।